साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड, कुवैत की कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट कर रखे हैं, कुछ आपको बेनिफिट होने वाला है क्या। इससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप आगे बढ़ें इससे पहले चैनल, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड इंक्वायरी यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए पहले शुरुआत कर लेते हैं साथियों, कुवैत में कोरोना की क्या अपडेट है। तो भाई कुवैत मेरे हिसाब से द बेस्ट कंट्री है, वहाँ पे कोरोना इतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। अब कंट्रोल गवर्नमेंट ने कर रखा है, अभी तक 3200 प्लस कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं, जिनमें से 22 प्लस अभी तक डेथ हुई है, जिनमें से 1012 अभी तक रिकवर हो चुके हैं। तो यानी कोरोना अपडेट द बेस्ट, कुवैत की गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस पर जल्दी ही काबू पा लिया, तो अच्छी बात है ये। आगे हम बात करते हैं साथियों कुवैत से रिलेटेड। अभी इंडिया से दो दिन पहले कुवैत के 2200 के करीब आदमी जो इंडिया कुवैती थे, जो कुवैत के नागरिक थे, वो इंडिया आए हुए थे, लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे, वो वापस रिकवर होकर अपने देश कुवैत पहुंच चुके हैं बॉम्बे और दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा। आगे मेजर पॉइंट निकल के आ रहा है साथियों कि आपके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी व्यवस्था करने जा रही है। रमज़ान का महीना वैसे भी चल रहा है और महामारी ऊपर से चल रही है, गवर्नमेंट ने खाने की व्यवस्था करी है। जिनके पास खाने की प्रॉब्लम आ रही है, पैसे नहीं है, गवर्नमेंट प्लस इन जो संस्थाएँ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने खाने की व्यवस्था आप लोगों के लिए करी है। जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको खाने की व्यवस्था की जा रही है। ये गवर्नमेंट की तरफ से आज की डेट में इंक्वायरी निकल के सामने आ रही है। अभी गवर्नमेंट ने साथियों कुछ देर पहले थोड़ा टाइम दिया था कि भाई इलीगल वर्कर हैं वो अपने देश जा सकते हैं, जिनमें टिकट भी कुवैत गवर्नमेंट दे रही थी, प्लस आपको ब्लैकलिस्ट भी नहीं कर रही थी, अगर आउट पास नहीं है सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था। उसमें श्रीलंका के लगभग 16000 प्लस इलीगल वर्कर हैं, उनमें से 300-400 बंदों ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था। श्रीलंका गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कुवैती गवर्नमेंट से टाइम मांगा है कि भाई हमें थोड़ा टाइम और दीजिए ताकि बंदे वहाँ से निकल के आ सकें, वहाँ एक बार रोको आप हमारे बंदों को, आप अपने पास रोकिए, थोड़ा इसको टाइम बढ़ा दीजिए। श्रीलंका गवर्नमेंट ने कुवैत गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है आज की डेट में, 27 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया के साथियों डॉक्टर लगभग 15 डॉक्टर प्लस हेल्थ केयर की टीम कुवैत पहुंची है कोरोना महामारी पे कुवैत सरकार की हेल्प करने के लिए, और वहाँ पे पीड़ित जो कोरोना से रिलेटेड उनको रिलीफ देने के लिए इंडिया की मेडिकल टीम कुवैत पहुंच चुकी है, अपनी सेवाएं वहाँ पे दे रही हैं कोरोना पीड़ित लोगों के ऊपर। आगे मेन पॉइंट पे बात करेंगे साथियों कि आप एयरपोर्ट इंडिया का ओपन होने जा रहा है, आप लोगों के पास शायद न्यूज़ पहले से पहुँच गई होगी। एयरपोर्ट ओपन हो जाएगा दिल्ली बॉम्बे, ये तो फाइनल हैं, बाकी बड़े जो महानगर हैं जिनमें मान लीजिए बड़ा जैसे गोवा हो गया, पुणे हो गया, कलकत्ता वगैरह, ये एयरपोर्ट स्टार्ट होंगे, जिनमें जल्द ही आप लोगों की वहाँ पे निकालने की कवायद शुरू कर दी जाएगी, जिनमें फर्स्ट प्रायोरिटी बीमार बूढ़े बुजुर्ग उनको दी जाएगी, या फिर जो डेड हो चुके हैं यानी किसी बीमारी की वजह से मर चुके हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे सबको रिकवर वहाँ से कर लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, आप खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है कि हम इंडिया पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई टिकटें बहुत महंगी होने वाली हैं, ये बात कर लेना। टिकट का पैसा आपका ही लगेगा, गवर्नमेंट नहीं देगी, ये हमेशा दिमाग में रखना। और टिकटों का भाव होगा कुवैत का तो वैसे ही नॉर्मल टाइम में 20-22 हज़ार रुपये रहता है भाई, तो आप समझ लीजिए कुवैत का कितना महंगा पड़ेगा। मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये टिकट की रेट रहने वाली है इस दौरान, क्योंकि विशेष स्पेशल विमान से अगर किसी को लाया जाता है तो उनको बोलते हैं एयरलिफ्ट, वो मजबूरी में उनको उठाया जाता है। आप लोग वहाँ फंसे हैं वो मजबूरी नहीं है, आप वहाँ से निकलोगे तो टिकट का पैसा आपका लगेगा और टिकट बहुत महंगी होने वाली है, ये दिमाग रख लेना। तो आपको आना है तो भाई पैसों का इंतज़ाम आपको ही करना पड़ेगा, और वहाँ से आ भी गए इंडिया में तो इंडिया पहुँचते पहुँचते कितना टाइम घर पर लग जाएगा नो आइडिया, क्योंकि आपको सरकार कहाँ रखने की व्यवस्था करेगी, फिर आपकी जाँच होगी, अगर उनको शक होता है तो आपको आइसोलेट किया जाएगा, ठीक है, फिर आपको घर पहुंचाया जाएगा, तो मतलब लंबा प्रोसेस चल सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिनको वहाँ पे रहने को मिल रहा है, खाना मिल रहा है और उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो भाई आने की सुनना सोचें, क्योंकि आना महंगा पड़ेगा। वहाँ बैठे हो ठीक है, यहाँ इंडिया आने के बाद भी आप जितने दिन वहाँ बैठे हो सकता है 15-20 दिन लग जाएँ घर पहुँचते। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, टिकट भी महंगी होगी, खर्चा लगेगा, फालतू में रिस्क रहेगी, क्योंकि टचिंग में तो आओगे लोगों के, ठीक है। तो उससे बेस्ट है कि अगर आपको सुविधाएं पूरी मिल रही हैं ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहीं पे रह के टाइम निकाल लें, आगे आपके लिए अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो साथियों आज की जानकारी बस यही थी, आगे नेक्स्ट कोई जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।